हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर इज अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 7 हनीकॉम। आज की ये वीडियो दो पार्ट में होगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसको आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो बिफोर यू रीड, शुरू करने से पहले ये हमें क्या बताना चाहते हैं। मृद्यु इज़ अ यंग गर्ल growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother and Tata, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukmani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. तो मृदु जो है एक छोटी एक बच्ची है जो कि मद्रास में रहती है, जिसे आजकल हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं, अपनी ग्रैंड मदर और अपने ग्रैंडफादर के साथ। और एक आफ्टरनून, एक दोपहर को जो उसकी ग्रैंडमदर हैं वो उसे उसकी आंटी रुक्मणी के घर लेके जाती हैं, जहाँ पे वो अपने कज़न्स लाली, रवि और मीना से मिलती है या उसे मिलवाने के लिए वहाँ ले जाती हैं वो। तो चलिए शुरू करेंगे। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। अ स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। एक हंसती हुई, एक मुस्कुराती हुई रुक्मणी ने दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना जो हैं वो भागकर बाहर गए और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींच लिया। वेल लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। तो मृदु ने कहा कि मुझे अपनी चप्पल निकाल लेने दीजिए। मैं एक साउथ इंडिया के बारे में आपको एक ऐसी अच्छी बात बताता हूँ कि वहाँ पे ज़्यादातर या तकरीबन सभी लोग घरों में चप्पल पहन के नहीं घूमते, वो अपनी चप्पलों को बाहर रखते हैं, जिससे कि जो चप्पलों के ऊपर गंदगी लग के जो हम बाहर घूमते हैं वो घर के अंदर ना आए। ठीक है बच्चों? तो शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। You could see the clear marks of every toe on front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. Scrawny का मतलब होता है thin, suggesting भाई किसी के अगर जैसे नुकीले टाइप के toes होते हैं ना, उस तरीके से। तो इसमें क्या बोलते हैं कि वो चप्पलों को बाहर निकाल देती है एक काली चप्पलों के बगल में, और वो क्या है, मिट्टी लगने की वजह से जो कि ग्रे कलर की हो गई हैं, और उसके ऊपर जो पैरों के निशान होते हैं चप्पलों के अंदर, जैसे हम चप्पलों को पहनते हैं तो आपने देखा होगा कि चप्पलों में पैरों के निशान पड़ जाते हैं, तो उस तरीके से बताया गया है कि उस पे निशान थे, प्लस काफ़ी गहरे निशान थे वो। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट दो स्लीपर्स दे वर, बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। मृदु को जो है ज़्यादा उन चप्पलों के बारे में सोचने का मौका नहीं मिला, क्योंकि रवि उसे खींच के पीछे ले गया, जैसे घर के पीछे जो खेलने के लिए या बागान या बगीचा टाइप कुछ लोग बनाते हैं, वहाँ पे एक बिटर बेरी का जो झाड़ था जो उसके पास उसे वो ले गया। देर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले अ स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। वहाँ पर एक फटी हुई फुटबॉल के अंदर जो कि रेत से भरी हुई थी और सैकिंग सैक से भर रखी थी, जैसे किसी को जानवर को बैठाने के लिए कुछ एक उन्होंने लेयर तैयार की हुई थी, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा जो कि कोकोनट के आधे शेल में से दूध पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। He was mewing, poor thing, said Meena. तो मीना कहती है कि हमें ये बाहर मिला था, गेट के बाहर, और म्याऊ म्याऊ कर रहा था। It's a secret, अम्मा says, Patty will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. तो ये मीना कहती है कि ये एक सीक्रेट है, अम्मा जो अम्मा हैं इनकी मम्मी वो कहती हैं
कि जो इनकी ग्रैंड मदर है, अगर उन्हें पता लगा कि हमारे पास बिल्ली है तो वो मामा के घर चले जाएंगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू द एनिमल्स बट वेन वी आर दे स्क्रीम। लोग हमेशा ये हमसे कहते हैं कि हम जानवरों के साथ अच्छे रहें, पर जब हम जानवरों के साथ अच्छे होते हैं तो वो चिल्लाते हैं, ओह डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर हेयर, इस गंदे से जीव को या जानवर को यहाँ मत लेके आओ, सेड रवि। रवि ने ये बात कही। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? पाटी सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। ये कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि किचन से थोड़ा सा दूध लाना भी कितना मुश्किल है? पार्टी जो उसकी ग्रैंड मदर हैं, उन्होंने उसे उस ग्लास के साथ देख लिया था। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भूख लगी है और उसमें से मुझे थोड़ा पीना भी पड़ा, जिससे कि उनका मैं ध्यान उस चीज़ से भटका सकूं। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। भाई मुझे मिसलेड करने के लिए उनको रियल पर्पज से सेंट का मतलब, ये थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब होता है, जो असली पर्पज़ क्या था? असली पर्पज़ तो उस बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाना था, लेकिन अपनी ग्रैंड मदर को उस गिलास के बारे में ज़्यादा वो ना सोचें, तो इसलिए मैंने उसे पी लिया। देन शी वॉन्टिड द टम्बलर बैक। तब फिर बाद में वो टम्बलर मुझसे वापस चाहती थी। पार्टी पार्टी आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। तो मैंने उनसे कहा कि ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर, मैं इसे खुद साफ़ कर दूंगा, मैं आपको क्यों परेशान करूं? आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे भाग के आना पड़ा और जो दूध था वो इस कोकोनट के शेल में डाला और इस टम्बलर को वॉश करके वापस रखना पड़ा, जी, इससे पहले कि नानी जो है, जो ग्रैंड मदर हैं, उन्हें शक हो जाए। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। तो हमें अब एक दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा महेंद्रन को फीड करने का। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज़ नेम इज़ महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। तो महेंद्रन, उन्होंने बताया कि इस बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है, तो जिससे कि मृदु को बहुत अच्छा लगा। वो कह उसने उसने ये सोचा कि देखिए ये एक असली नाम है, एक असली, जैसे महेंद्रन एक आदमी का नाम होता है या किसी भी लिविंग बींग, जैसे हम लोग हैं मैनकाइंड ह्यूमन बींग्स का, तो उस तरीके से इस किटी का नाम भी महेंद्रन रखा गया है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनानी, MP पुनानी फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। तो उन्होंने बताया कि इसका पूरा नाम महेंद्रा वर्मा पल्लवा पुनानी या फिर MP पुनानी, अगर हम इसे छोटा करके बोलेंगे तो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर, लाइक अ लॉयंस मैन, एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पालवा किंग वॉज, डोंट यू? तो उन्होंने बोला, उसने बोला कि देखो ये कितनी अच्छी कैट है, इसका फर कितना अच्छा है, जैसे कि शेर का होता है। और तुम्हें क्या पता है, जो पल्लवा किंग थे, पल्लवा जो किंग थे, उनका एम्बलम क्या था, मतलब उनका चिन्ह क्या था? ही लुक्ड एक्सपेक्टली एट मृदु। तो वो उसने उसकी मृदु की तरफ देखा कि मृदु को पता होगा। मृदु गिगल्ड, आई थिंक थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट आई विल शो यू समथिंग। तो मृदु जो है वो हंस पड़ी। तो उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री,
ये तो क्लियर है कि आपको हिस्ट्री के बारे में मृदु कुछ नहीं पता। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली। वेल व्हेन आर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ दिस था एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थाथा मीन्स, थाथा इज ग्रैंड फादर इन तमिल। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। तो ये बोलता है कि मैंने जब हम हमारी क्लास जो है वो महाबलीपुरम घूमने के लिए गई थी, तो मैंने एक ताता एक ग्रैंडफादर का स्टैचू देखा था। और ये जो महेंद्रन है, जो हमारी बिल्ली है, जो किटन है हमारा, ये डिसेंडेंट है उस सेम एंशियंट कैट की। डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, अ क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन अ लाइन। अगर मैं आपको साइंटिफिकली बताऊं तो ये जो है लाइन की एक रिश्तेदार है, क्लोज रिश्तेदार है। द पल्लवा लाइन एम्बेडेड एम्बलम ऑफ पल्लवा डेस्टनी डेस्टनी। तो जो पल्लवा डेस्टनी के अंदर जो पल्लवा लाइन है, ये उसका एक दूर का रिश्तेदार भी है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड अ बिटर बेरी बुश वेविंग द ट्विग अप एंड डाउन हिज आइज स्पार्कलिंग। तो रवि जो है वो बिटर बेरी बुश में गोल गोल उधर उधर घूमता रहा। जो और एक ट्विग, ट्विग का मतलब होता है एक बुश की तरह, या फिर एक जो हम छोटी पतली डंडी, अगर डंडी लेके घूमते हैं तो उसको भी ट्विग कहा जाता है। छोटी पतली सी जो डंडी होती है एक, उसको ट्विग बोलते हैं। और उसकी आंखें जो हैं स्पार्कल कर रही थी। दिस कैट इज द डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप कैट्स इन एंशंट इजिप्ट। तो जो ये बता रहा है रवि कि ये हमारी जो किटन है वो महाबलीपुरम की ऋषि कैट की डिसेंडेंट है, ये उसकी वंशज है। और मैं आपको बता दूं कि जो कैट्स हैं उन्हें एंशंट इजिप्ट में उनकी पूजा भी की जाती थी। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। तो मीना और मृदु जो हैं वो एक दूसरे को देखती हैं कि इसे कितना अच्छा लगता है खुद की आवाज़ को सुनना, रवि को। वट डज दैट हैव टू डू विद एनी थिंग, मृदु डिमांडेड। तो मृदु ने पूछा कि इन सब चीज़ों का इससे क्या लेना देना है। हाँ, आई एम टेलिंग यू, दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस बस्टेट, या दैट्स इट। तो ये बोलता है कि मैं, देखो मैं आपको बता, जब उन्होंने पूछा, जब मृदु ने पूछा कि इसका इन सब चीज़ों से क्या लेना देना है, तो उसने कहा, रवि ने कहा कि ये जो कैट है ये डिसेंडेंट है इजिप्शियन जो कैट गॉड है, जो जो बिल्लियों की देवता है, ये उनकी डिसेंडेंट है, उनकी वंशज है। तो इस तरीके से वो कह रहा है। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडस वॉज स्टोट अवे इन वन ऑफ द पल्लवास शिप्स। तो स्टोट अवे का मतलब क्या होता है कि कोई जो, अगर कोई छुपके से धीरे से बिना हरकत किए अगर कोई किसी शिप या एयरक्राफ्ट के अंदर चुपचाप छुप के आ जाए तो उसको स्टोटावे बोलते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि वो जो कैट गॉडेस है वो, उसका एक डिसेंडेंट या वंशज जो है वो पल्लवा की शिप में बैठकर यहाँ आ गया, महाबलीपुरम, जो कि महाबलीपुरम के ऋषि कैट है वो वहाँ से आई है। उस डिसेंडेंट इज रवि फ्लरिश दैट वी गेट महेंद्रन। तो रवि ने जो उसके पास वो लकड़ी का टुकड़ा था वो महेंद्रन की तरफ दिखाते हुए बोला कि ये उस इजिप्शियन गॉड कैट गुडेस का, जो कि पल्लवा की शिप के अंदर बैठ के महाबलीपुरम आया था, तो उससे जो है, जो ऋषि की कैट है उसकी वंशज वो कैट गॉड है, और ये ऋषि कैट की जो वंशज है ये महेंद्रन है। वुप इके ही श्रिंक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। तो वो काफ़ी खुश था ये सब बातें बोल बोल के। महेंद्रन लुकड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लोज ऑन द एजेस ऑफ द कोकोनट शेल। महेंद्र ने जब देखा तो वो जो है, जो क्लोज होते हैं अपने, उन्हें तेज कर रहा था कोकोनट शेल के ऊपर, जो बिल्ली का बच्चा था वो। द वर्स देन रविस ऑफुल वुप इक वॉज अ क्रैक।
जो आवाज़ आ रही थी एक क्रैक आई विंडो से आवाज़ आई क्रैच करके, दैट वॉज अ वियर्ड साउंड। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड एम पी कुनानी वॉज फ्राइटन्ड आउट ऑफ हिज विट्स। तो एक अजीब सी साउंड आई और जो एम पी पुनानी है वो डर गई या डर गया, जो बिल्ली का किटन था वो। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्कर्ड टुवर्ड्स द बैम्बू ट्री ऑफ रेड चिलीज दैट ही हैड सेट आउट टू ट्राई। तो वो डर जो बाउंस जो उन्होंने डर डर के वो रेड चिलीज की जो बैम्बू पे ट्रे थी उस जो सुखाई थी वहाँ पे उसके पीछे हाइड करने की कोशिश की। तो कुछ मिर्ची जो हैं वो उन्होंने अपने ऊपर डाल ली। मियाऊ ही हाउल्ड मिजरेबली, तो एक मियाऊ करके आवाज़ बहुत ही एक दर्दनाक तरीके से या एक बहुत ही अलग टाइप की वॉइस, जब मिर्ची आप सोच लीजिए जब मिर्ची के आसपास होगा तो किस तरीके की आवाज़ निकलेगी। द क्रैचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइस सेड मृदु। तो जो क्रैचिंग थी उसकी आवाज़ जो है आती ही रही आती रही। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वॉयलन ग्रंटेड रवि, तो रवि बताता है कि ये लाली है जो कि वॉयलन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन वाइल लाली ऑल द टाइम डीरेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। तो ये कहते हैं कि लाली जो है वो कभी भी नहीं सीख पाएगी क्योंकि जो म्यूज़िक मास्टर है वो एक ट्रेन की तरह बजाते हैं, मतलब उस जो वॉयलिन को एक ट्रेन की तरह प्ले करते रहते हैं जो, और जो लाली है वो बार बार ट्रैक से उतर जाती है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन चेक है जिसमें के कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड, तो मीना ने मृदु के साथ क्या सीक्रेट था जो शेयर किया। नंबर टू है हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन, रवि जो है किटन के लिए दूध कैसे लेके आया। नंबर थ्री है हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर्स आर, डू यू बिलीव हिम। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि वो रवि जो है जैसे वो पूछ रहा वो क्या जो किटन एंसेस्टर्स के बारे में उसने बताया था, तो आपको क्या लगता है कि किटन के एंसेस्टर्स कौन हैं और क्या आप उसको बिलीव करते हैं। रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एम पी पुनानी, दिस शोज दैट रवि को एम पी पुनानी के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है। इससे पता लगता है कि ही इज़ मियरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, वो मृदु को इम्प्रेस करना चाह रहा है। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, नंबर टू है इसमें हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, उसका जो हिस्ट्री का नॉलेज है वो बहुत अच्छा है। नंबर थ्री है ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन, उसका इमेजिनेशन काफ़ी अच्छा है। नंबर फोर है ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, वो एक इंटेलिजेंट एक बहुत ही तेज़ दिमाग वाला बच्चा है। नंबर पाँच विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डू यू एग्री डिसएग्री टू, सॉरी ये जो ऊपर का जो स्टेटमेंट था ये इसका ही पार्ट है कि जो ऊपर की मैंने चार आपको बताई हैं कि इनमें से आप किस स्टेटमेंट के साथ एग्री या डिसएग्री करते हैं। जो पहली ऊपर चार मैंने स्टेटमेंट बताई हैं इनमें से क्या क्या लगता है आपको कि ये ठीक है और क्या आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है। अच्छा नंबर फाइव पे है अब व्हाट वाज द नॉइस दैट स्टार्टल मृदु एंड फ्राइटन्ड महेंद्रन, वो क्या आवाज़ थी जिसको सुन के महेंद्रन डर गया और मृदु जो है वो स्टार्टल हो गई। तो इनका आंसर आप लोग देंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें सेकंड जो पार्ट है नंबर टू जो लिखा हुआ है। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, लाली वॉज सिटिंग अ लिटल डिस्टेंस अवे ऑकवर्डली होल्डिंग हर वॉयलन एंड बो स्ट्रिंग्स, हर एल्बो जटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज अ बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। तो मृदु जो है वो खिड़की से झांक कर देखने लगी तो उसने देखा कि लाली कुछ डिस्टेंस के ऊपर बैठी हुई थी, एक अजीब तरीके से उसने अपने वॉयलिन को पकड़ा हुआ था और बो स्ट्रिंग को, हर एल्बो जटिंग आउट एंड हर आईज गेजल्ड विद कंसंट्रेशन।
तो उसकी जो पोजीशन के बारे में उसने बताया है कि आंखें बहुत ही कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही थी और एल्बोज जो हैं वो बाहर की तरफ थी, इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक, और उसके सामने जिनकी ज़्यादा तर जो बैक थी वो विंडो की तरफ थी, एक पतली सी फिगर वाले म्यूज़िक मास्टर बैठे थे। ही हैड अ मोस्टली बॉल्ड हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट। तो उनके बारे में बताया इन्होंने कि वो ज़्यादातर बॉल्ड हेड था उनका, और फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, तो उनके कानों के आसपास में ब्लैक हेयर्स थे और जो जो ऑयल्ड किए गए थे। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक सोने की चेन पहन रखी थी और एक डायमंड की रिंग पहनी हुई थी, जो कि जब वायलिन के ऊपर उनके हाथ चल रहे थे तो वो नज़र आ रही थी। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टोस। तो बता रहे हैं कि उनकी जो पैर थे वो बाहर निकले हुए थे, देखिए जैसे यहाँ पे ये दिखा रखा है, तो इसके बारे में उन्होंने ऊपर बताया है इनके बैठने के तरीके के बारे में। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, लाली स्टम्बल बिहाइंड हिम ऑन हर वॉयलन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस। तो उन्होंने कुछ नोट्स बजाए उसके ऊपर, कुछ धुन बजाई, और लाली जो है काफ़ी स्टम्बल कर रही थी या काफ़ी परेशान हो रही थी उस चीज़ को बजाने के लिए, और वो काफ़ी होपलेस नज़र आ रहा था। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, तो वॉयलन जो है वो उनसे बज नहीं रहा था, काफ़ी अनहैप्पी वो उसमें नज़र आ रहा था। वॉट अ डिफरेंस, द म्यूज़िक मास्टर नोट सीम्स टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इन टू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। द म्यूज़िक मास्टर, जो नोट्स थे म्यूज़िक मास्टर के, वो सीम्ड अ फ्लोट अप, वो अच्छे से बज रहे थे और जो परफेक्टली सेट हो रहे थे इनविजिबल ट्रैक, जो मेलोडी का जो एक ट्रैक होता है इनविजिबल, उसमें वो अच्छे से सेट हो रहे थे, या फिर कहें तो वो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। इट वॉज़ लाइक द व्हील्स ऑन द ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड विजलिंग अलॉन्ग एज रवि सेड। तो ऐसा लग रहा था कि वो ट्रेन के वो पहिए हैं जो कि स्मूथली फिट हो रहे हैं और साथ साथ चल रहे हैं। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बैरिंज्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वॉयलेंस स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। तो मृदु जो है वो उस हाथ की तरफ देख रही थी जो कि बिना किसी एफर्ट के चल रहा था और म्यूज़िक बजा रहा था। तो यहाँ पे बैरेंज्ड का मतलब होता है द म्यूज़िक मास्टर इज़ वियरिंग अ रिंग, तो जो रिंग पहना हुआ हाथ है, जो म्यूज़िक मास्टर जो है, जो उन्होंने जो रिंग पहनी हुई है, तो बियरिंग्ड। स्पोक देर वॉज लाली डिरेलिंग अगेन, अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, तो दरवाजे से एक आवाज़ आती है, अम्मा अम्मा। रवि सेंड दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरेंडा वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी। तो उसकी रवि की मदर जो कहती हैं कि इस भिखारी को भेज दो, जो कि उसकी मदर जो है वो पीछे वरंडा में तापी के साथ बातें कर रही थी। ही हैज़ बिन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन टू तापी। तो वो बताते हैं जो पार्टी हैं वो अपनी जो तापी हैं जो इनकी ग्रैंड मदर हैं उसको बता रहे हैं कि ये एक हफ्ते से डेली आता है और अब इसको किसी और घर में जाके भिक्षा मांगनी चाहिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना ने रवि के साथ साथ पीछे पीछे चली गई। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, तो बैगर जो है पहले ही गार्डन में आ चुका था और वो कंफर्टेबल हो गया था वहाँ पे, या फिर वो आके बैठ गया था। ही हैज स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट हिज ट्रंक अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटल स्नूज वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपियर।
तो इसने क्या किया कि जब ये आया तो इसने अपना बिछौना जो है, जो ऊपर इसने पहन रखा था, उसको नीम ट्री के नीचे बिछा लिया और लेट गया वहाँ पे कि जैसे सोने को तैयार हो रहा हो। गो अवे सेड रवि स्टेरनली, माई पार्टी से इट्स टाइम यू टू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। तो रवि कहता है कि जाओ यहाँ से, और मेरी जो पार्टी हैं उन्होंने कहा है कि आप दूसरा घर ढूंढ लीजिए अब भीख मांगने के लिए। द बेगर ओपन्ड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन। तो बेगर ने जो है बड़ी बड़ी आंखों के साथ उन बच्चों को, इन तीन जो बच्चे हैं ये रवि, इन सबको एक एक करके देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विद फीलिंग्स, आर वेरी काइंड सोल्स। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर अ होल वीक। तो ये बैगर जो है वो कहता है कि इस घर की जो औरतें हैं वो बहुत अच्छी हैं, मैंने एक हफ्ते से अपने शरीर और अपनी आत्मा को एक साथ रखा है इनकी वजह से। आई कांट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मैं सोच नहीं सकता कि वो मुझे भगा देंगी। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओ सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टनली वॉजंट फीबल। तो उसने दोबारा कोशिश करनी चाहिए। आई सॉरी, इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विटर्ड बेली एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ विच इट विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्ट्रेन ब्राउन विद बीटल च्यूइंग। तो ये जो आवाज़ आई थी वो उनके पेट से निकली थी, और जो जैसे पान सुपारी जो लोग खाते हैं, बीटल च्यूइंग करते हैं पान खाने से, उनके जो दांत थे वो ब्राउन कलर के हो गए थे, उसमें से ही ये अम्मा अम्मा करके उन्होंने आवाज़ निकाली। रवि टेल हिम देर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी। तो किचन में कुछ भी नहीं बचा है, रुक्मणी ने कहा, एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। और उनसे कहिए कि यहाँ दोबारा ना आए। शी साउंडेड फेड अप, तो उन्होंने फेड अप साउंड करते हुए ये कहा, रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर। तो रवि को ये सब बैगर को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर दे आर अंडर द नीम ट्री। द बैगर सेट अप एंड साइड। तो बैगर जो है उसने ये सब बातें सुन ली, रवि को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और वो उठकर बैठ गया। आई गो ही सेड वेरीली, ओनली लेट मी हैव द रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, द सन इज़ सो हॉट एंड द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, माई फीट्स आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। तो ये कहता है कि मैं चला जाऊँगा पर मुझे अभी यहाँ पे आराम कर लेने दीजिए, क्योंकि जो सूरज है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, और जो टार है सूरज के ऊपर, जो सॉरी जो रोड के ऊपर जो आप टार होती है ना, जो ब्लैक कलर की जो लेयर होती है उसकी, तो ये कह रहा है कि वो गर्मी की वजह से मेल्ट हो गई है, और मेरे जो फीट्स हैं, जो मेरे पैर हैं, इन पे पहले ही छाले पड़ गए हैं। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पेलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। तो वो दिखाता है कि देखो मेरे जो पैर हैं वो सोने दिखाता है कि इसके ऊपर पहले ही छाले पड़ गए हैं। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि। तो मृदु क्या है, मृदु बोलती है कि शायद इसके पास चप्पल लेने के पैसे नहीं हैं, मीना और रवि को बोलती है। हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, तो वो पूछते हैं कि भाई क्या तुम्हारे पास घर में कोई पुरानी चप्पलें पड़ी हैं। आई डोंट नो सेड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई वुड गिव देम टू हिम। देखिए रवि कहता है कि मेरी बहुत छोटी चप्पलें हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं अपनी चप्पलें इन्हें दे देता। एंड हिज फीट वर लार्ज देन मृदु एंड मीनास, और मृदु और मीना से भी उनके पैर जो थे बड़े थे। ब्रदर सॉरी, द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ्स एंड टाइटन्ड हिज धोती। तो बैगर ने जो है अपने ऊपर वाले कपड़े को झाड़ा और अपनी धोती को टाइट किया। ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। तो उन्होंने अपनी आंखों को उठाया और देखा, रोड की तरफ देखा जो कि बहुत गर्म था दोपहर की गर्मी की वजह से।
ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आईज फीलिंग इट्स नॉट फेयर. तो उन्हें अपने पैरों के लिए कुछ चाहिए, मीना ने कहा. उसकी बड़ी बड़ी आंखों में ऐसा आया कि ये ठीक नहीं है. रवि सेड, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प. तो रवि कहता है कि ऐसे मत कहो, मैं सोच रहा हूँ कुछ, इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है कह के इसकी कोई मदद नहीं होगी. इन टू मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट्स ऑन द रोड. दो मिनट के अंदर ये अपने पैरों को जला रहे होंगे इस सड़क के ऊपर. वट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल्स. इन्हें क्या चाहिए? इन्हें एक चप्पलों का जोड़ा चाहिए. सो वट डू वी गेट देम, सो वेयर डू वी गेट देम, कम लेट सर्च द हाउस. तो हम इन्हें कहाँ से दें? तो बोलता है कि चलो हम घर में ढूंढते हैं. ही पुश्ड मृदु एंड मीना इन टू द हाउस. तो वो मृदु एंड मीना को लेकर घर में चला गया. जस्ट एज शी स्टेप्ड इन टू द वरांडा, मृदु आईज फेल ऑन द ऑड लुकिंग चप्पल्स शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड. रवि, शी विस्पर टू हिम, हूज आर दोस. तो वो चप्पलें जो स्टार्टिंग में आपको याद होगा जहाँ पे इसने अपनी चप्पल उतारी थी, तो उन चप्पलों के बगल में वो जो चप्पलें थी वो चप्पलों पे उसकी नज़र पड़ी और उसने रवि से पूछा कि रवि ये चप्पल किसकी हैं. रवि टर्न एंड ग्लेज एट द शैबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स. तो वो एक अच्छे मतलब एक शैबी लुकिंग टाइप पुराने से दिखने वाले चप्पल स्लीपर्स की तरफ देखता है. ही बीम्ड एंड नॉडेड, दीज आर जस्ट द राइट साइज ही सेड पिकिंग दैम अप. तो वो उन्हें उठा के बोलता है कि हाँ ये सही साइज के हैं. मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इन टू द गार्डन. मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे चली गई. हेयर सेड रवि टू द बेगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, वियर दीज एंड डोंट कम बैक. तो रवि जो है उन चप्पलों को भिखारी के सामने फेंक कर कहता है कि ये चप्पल पहनो और दोबारा यहाँ पे वापस मत आना. द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left. तो फटाफट उसने क्या किया, उस चप्पलों की तरफ देख के अपने टावल को रख के अपने कंधे पे और वो उन चप्पलों को पहन के वहाँ से चला गया. muttering a blessing to the children, और बच्चों को आशीष देता हुआ चला गया वहाँ से. In a minute he has vanished around the corner of the street. और एक मिनट के अंदर ही वो उस स्ट्रीट के कॉर्नर तक पहुँच गया. The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. तो जो म्यूजिक टीचर थे वो बाहर आए और एक उन्हें उनकी तरफ देखा तीनों की तरफ, क्योंकि वो पेड़ के नीचे बैठ के कंचे खेल रहे थे. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. तो जो म्यूजिक टीचर थे वो उन अपनी चप्पलों को ढूंढने लगे जो उन्होंने वरांडा में निकाली थी. लाली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember I have kept them here. तो वो उन्होंने लाली को आवाज़ लगाई और उनसे पूछा, लाली से पूछा कि लाली क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी हैं, मैंने यहीं निकाली थी. रवि मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा. तो रवि मृदु और मीना जो है चुपचाप उन्हें दोनों को देखते रहे, म्यूजिक टीचर को और लाली को, जब वो चप्पलें ढूंढ रहे थे. स्कर्रीड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पोस्ट टू लुक बिटवीन देम. तो वो जो है उन्होंने हर जगह उसे देखा, फ्लावर पोट्स की तरफ देखा, रेलिंग की तरफ देखा, सब जगह देखा. ब्रैंड न्यू देवर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम. वो बिल्कुल नई चप्पलें थी, मैं माउंट रोड से उन्हें लेके आया था. ही वेंट ऑन सेइंग they cost a whole month's fee, do you know? वो पूरे महीने की तनख्वाह के बराबर हैं. Soon Lali went in to tell her mother. Rukmani appeared, looking harassed, with Party followed her. तो लाली जो है अंदर जाती है तो रुक्मणी जो है जब आती हैं तो वो परेशान लगती हैं, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता, और पार्टी जो है वो पीछे पीछे उसके आती हैं. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door. Worried party. तो वो कहते हैं कि ये बहुत ही
ये अच्छा नहीं है, हो सकता है कि किसी वेंडर ने उसे चोरी कर लिया हो, क्योंकि बहुत सारे वेंडर मतलब सामान बेचने वाले लोग। रुक्मणी कॉट साइट टू रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगन, एंड देन सीइंग देवर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोन स्लोली। तो रुक्मणी ने जो है रवि, मृदु और मीना को वहाँ पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा और वो कहने लगी कि क्या बच्चों तुमने, और फिर देखा जब उसने देखा कि वो चुपचाप बैठे हैं तो वो धीरे से बोलती है, सीन एनीवन ल्यूरिंग अराउंड द वरांडा, किसी को देखा यहाँ घूमते हुए वरांडे में। अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, तो एक वी शेप्ड की लाइन जो है उसकी आईब्रोज के बीच में बन गई। अनदर स्ट्रेट टाइट वन अपीयर्ड इन द प्लेस ऑफ हर यूजुअल सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ, और फिर उस प्लेजेंट माउथ के ऊपर भी एक लाइन, जैसे गुस्से में, जैसे ऐसे एक सोच विचार की तरह जब हम सोचते हैं या ऐसे करके जब हम कुछ भी गुस्से में होते हैं तो हमारे जो सिर के ऊपर और मुंह के जो भाव बदलते हैं उस तरीके से बता रहे हैं। रुक्मणी वॉज एंग्री दो मृदु वॉज दो मृदु विद अ शिवर, शी वुडन्ट बी अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ। तो जो रुक्मणी है उन्हें गुस्सा आया और मृदु जो है उससे डर भी लगा और उसने सोचा कि ये अगर गुस्से में, ये रुक्मणी जो है गुस्सा नहीं करती अगर उन्होंने देखा होता उस बेगर के छालों को। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुक्मणी देर वॉज अ बैगर हेयर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट। तो एक लंबी सांस लेकर उसने कहा कि रुक्मणी यहाँ पे एक बैगर था और उसके पैरों पे छाले पड़े हुए थे। सो सैड रुक्मणी ग्रिमली टर्निंग टू रवि, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू द ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हेयर। तो रुक्मणी ने ऐसे बोला कि तो, और उसने उससे रवि से कहा कि क्या, तो इसलिए क्या तुमने वो चप्पल, म्यूजिक मास्टर की चप्पलें उस भिखारी को दे दी। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रांटेड पार्टी, तो पार्टी ने कहा कि बच्चे आजकल के, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्मा, कर्मा हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड। तो अम्मा ने जो इसने कहा कि अम्मा क्या तुमने मुझसे, क्या तुमने हमें करना, करना मतलब राजा करण, दानवीर करण के बारे में बताया गया है, हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, जो उन्होंने अपने पास जो कुछ भी था वो सब कुछ दे दिया, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस, जो उनके पास गोल्ड इयररिंग्स थी वो भी उन्होंने दे दी, तो वो काफ़ी काइंड और जेनरस थे। सिली स्नैप रुक्मणी, कर्मा डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गिव अवे हिज ओन। तो रुक्मणी ने कहा कि जो राजा करण थे या करना थे उन्होंने दूसरे लोगों की चीज़ें नहीं दी थी, उन्होंने अपनी चीज़ें दी थी जो उनकी खुद की थी। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, रवि रश्ड ब्रैशली ऑन, एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वट यू रियली नॉट हैव माइंडेड। पर रवि ने कहा कि जो मेरी चप्पलें हैं वो बहुत छोटी थी, वो उन्हें आनी नहीं थी, पर अगर वो उन्हें आ जाती तो अम्मा क्या तुम फिर भी गुस्सा करती या तुम उस चीज़ को माइंड करती। रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। तो इस तरीके से गुस्सा होके उन्होंने कहा कि रवि तुम अंदर जाओ। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रोट आउट गोपू मामस हार्डली वोन न्यू चप्पल्स, दिस शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दिस ऑन, आई एम सो सॉरी माई सन हैज़ बिन वेरी नॉटी। दिस म्यूजिक मास्टर आईज लिट अप, ही पुट दैम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। तो वो फटाक से अंदर गई और गोपू मामा की जो उन्होंने कभी मतलब एक ऐसी चप्पलें नई जैसी बिल्कुल जो बहुत कम पहनी थी लेके आई और उसको म्यूज़िक मास्टर को उन्होंने दे दी। म्यूज़िक मास्टर उसे देख के बहुत खुश हुआ पर उसने वो अपनी खुशी जताई नहीं, मतलब वो ऐसा चाह रहा था कि मैं अपनी खुशी को बाहर ना आने दूँ। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, वट टू डू। तो उन्होंने बोला कि ठीक है शायद ये काम कर जाएं, और आजकल के बच्चों को
आजकल के बच्चों को एल्डर्स की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। अ हनुमान इनकर्नेट, ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। जैसे आपको उस कथा के बारे में मालूम होगा, जब लॉर्ड हनुमान छोटे थे तो वो कितने ज़्यादा नॉटी थे। उस तरीके से इन्होंने कहा कि ये बच्चे जो हैं, इन्हें केवल रामा या लॉर्ड भगवान रामा ही संभाल सकते हैं। रुक्मणी आईज फ्लैश्ड, शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बींग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ होली मंकी। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाई द फ्रंट डोर। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। तो रुक्मणी की आंखें जो हैं, एकदम गुस्से उसे आया। वो रवि को एक बंदर नहीं कहलवाना चाहती थी, चाहे वो एक पूजनीय बंदर हो। तो वो फ्रंट डोर के सामने खड़ी हो गई और उसने ऐसा इशारा किया कि अब आप जाइए यहाँ से। वेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स, शी सेड, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन। ऑनेस्टली हाउ डू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स। तो उन्होंने बोला कि जब वो नई चप्पल पहन के चलने लगे, तो मृदु ने कहा, तो उन्होंने उससे कहा रुक्मणी ने कि मृदु तुम अंदर आ जाओ और टिफ़िन ले लो या खाना खा लो। उन्होंने से पूछा कि तुम बच्चे जो हैं ऐसी ऐसी चीज़ कैसे कर लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजेंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क। अच्छा हुआ कि तुम्हारे गोपू मामा जो हैं वो काम पे चप्पल पहन के नहीं जाते। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगेन टू लाफ। बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम्स। तो वो कहते हैं कि तो मृदु और मीना के साथ जब रुक्मणी किचन की तरफ जाती है तो वो अचानक से हंसने लगती है। वो कहती है कि जो जो इनके गोपू मामा हैं वो उन्हें बहुत जल्दी रहती है अपने जूते और सॉक्स निकाल के फेंकने की और अपनी चप्पल फटाफट से पहन लेने की। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर। तो वो बोलती हैं कि तुम्हारे मामा अब क्या कहेंगे शाम को, कि जब उन्हें पता लगेगा कि मैंने उनकी चप्पल उस म्यूजिक मास्टर को दे दी हैं। तो ये कवि ये लिखा है वसंथा सूर्या ने। इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव चेक के भी इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस हैं, जिनके आंसर अगर मैं चाहूँगा, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। और ये पोएम है द रिबेल। इसको मैं आपको एक छोटा सा पार्ट बना के आपको उसमें बता दूंगा। चलिए दोस्तों, बच्चों थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का आपको लगातार पता चलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।